रिमेनिंग के पास एक है में का है, जो वॉटर है, है वो सेवेंटी एट लीटर कम है किस से मिल्क से तो आपको कहता है कि आपको की आपको रिमेनिंग क्वान्टिटी मिल्क कंटेनर में है, क्या है ये फाइंड आउट करनी है सबसे पहले हम आप सपोज कर लेते हैं लेट सपोज द मिक्सचर इन कंटेनर लेट सपोज द्वान हंड्रेड एक्स लीटर ओके हंड्रेड एक्स लीटर फाइन तो इसमें आपको यहाँ पे क्वान्टिटी ऑफ मिल्क क्वान्टिटी क्वान्टिटी ऑफ वॉटर क्वान्टिटी ऑफ वॉटर एंड क्वानिटी ऑफ मिल्क हालांकि दोनों यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगी कैसे देखो वाटर की क्वांटिटी आपको यहाँ पे गिवन है है ना? कितना ट्वेंटी फोर परसेंट तो इसका ट्वेंटी फोर परसेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर एक्स लीटर राइट right? और यहाँ पे ये यह हो जाएगा सेवेंटी सिक्स एक्स लीटर क्योंकि तो हंड्रेड में से ट्वेंटी फोर माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ओके okay, ना अब यहाँ पे कहता है कि फिफ्टी परसेंट क्या कर ले रहे? निकाल ले रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेक एन आउट टेक एन आउट क्वांटिटी टेक एन आउट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू फिफ्टी एक्स लीटर राइट फिफ्टी परसेंट निकाल रहा है तो ऑब्वियसली अगर हंड्रेड लीटर है तो फिफ्टी लीटर आपका टेकन आउट क्वांटिटी हो जाएगा है ना, ना? अब यहाँ पे फिर से अगेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क चाहिए है हमें है ना टेकन आउट क्वांटिटी टेकन आउट क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड टेकन आउट क्वांटिटी टेकन आउट क्वान्टिटी ऑफ वॉटर अब अगर 100 लीटर में वाटर 24% परसेंट था तो उसी मिक्सचर से निकाला गया है ये 50 लीटर तो इसमें भी 24% परसेंट होगा तो 50 का अगर आप 24% परसेंट निकाल लोगे तो यू विल गेट जस्ट सेकेंड यू विल गेट 12 लीटर फाइन यू विल गेट 12 लीटर दिस एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 38 लीटर क्वांटिटी ऑफ मिल्क थर्टी एट लीटर निकाला गया मिल्क uh, को और ट्वेल्व लीटर निकाला गया किसे वाटर को ओके okay. क्वेश्चन में आगे कहता है कि जो निकाला जा रहा मतलब सेवेंटी एट लीटर कम है दैट मीनस कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है सेवेंटी एट लीटर राइट तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंस डिफरेंस विल इक्वल टू डिफरेंस विल बी एक ये आपका 38x 12x हो जाएगा ओके okay? 38x एट एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू सेवेंटी लीटर राइट यहाँ पे निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 20x 26x ट्वेंटी सिक्स एक्स विल बी इक्वल टू सेवेंटी तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे कितनी x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे थ्री ओके ना क्वेश्चन में क्या कहा था कि रिमेनिंग क्वांटिटी आपको बताना है तो सी रिमेनिंग क्वांटिटी remaining क्वांटिटी रिमेनिंग quantity ऑफ मिल्क रिमेनिंग quantity ऑफ मिल्क देखो यहाँ पे हमारे पास मिल्क uh, की क्वांटिटी इनिशियली क्या थी दैट वॉज सेवेंटी सिक्स फिर उतना निकाल लिया गया कितना थर्टी एट तो सेवेंटी सिक्स में थर्टी एट निकाल लोगे तो कितना बचा रहेगा वो निकल जाएगा है ना तो यहाँ पे सेवेंटी सिक्स माइनस थर्टी एट एक्स ऑप्शन तो 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 डी में गिवन है ऑप्शन डी विल बी योर एंसर आई होप दिस इज क्लियर थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर